तो आपने देखा होगा हाथ में यहाँ दर्द आ रहा है, यहाँ दर्द आ रहा है, यहाँ नीचे उतर के यहाँ तक आ रहा है, उंगली में दर्द आ रहा है, उंगली सुन पड़ रही है, झंझनाहट आ रही है, चीटियाँ चल रही हैं, ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, यहाँ खिंचाव आ रहा है, हेडेक हो रहा है, पीछे की तरफ खिंचाव आ रहा है। और खासकर एक पॉइंट होता है यहाँ पे, एक अच्छा इस जगह पे ये पॉइंट होता है, ये बड़ा तीखा दर्द करता है लोगों को। पांचवा और छठा मण का सरक गया, फॉर एग्जांपल ये सरक गया इस तरीके से, सरकने के बाद नस दब गई। इससे हम पता लगा सकते हैं कि नस कौन से एरिया पे दबी होती है। अब हम हड्डी के घुमाव को ठीक करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, चेहरे से पता लग रहा है। डाइट का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से कोई संबंध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज के समय में हर इंसान को एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है गर्दन का दर्द, या कहें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर हरीश ग्रोवर जी से जानेंगे कि कैसे बिना दवाइयों के आप इजीली अपने गर्दन के दर्द को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आजकल मैं जिस भी इंसान से पूछता हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में हो या घर पे हो या रिलेटिव्स में हो, वो हम यही कहते हैं कि हमारी गर्दन में दर्द है, हमारे कंधे में दर्द है, या कंधे में हमारे सूजन आ गई, हाथ उठता नहीं है, बैठे रहते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं तो गर्दन में दर्द हो जाता है। जी सर, ये गर्दन में दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों आजकल इतना कॉमन हो रहा है? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। और गर्दन का दर्द ना एक महामारी के जैसे फैल गया है बिल्कुल अभी। जी मतलब एक इंसान ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं जिसको गर्दन में स्टिफनेस या गर्दन का दर्द नहीं है। जी और गर्दन की स्टिफनेस ही गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कह लो, मणका सरक जाना, गद्दी सरक जाना, और गर्दन में खिंचाव आ जाना, चणक पड़ जाना, मोच आ जाना, अलग अलग लोग उसको अलग अलग भाषा में अपनी तरीके से जानते हैं। मेन जो दिक्कत है इसमें, यहाँ के जो मणके हैं जी, जो गर्दन के सात मणके होते हैं, उन सात मणकों के अंदर जो समायोजन होता है, यानी इनमें तालमेल जो होता है, ये मणका होता है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, यहाँ से गर्दन हमारी बनके मिलके बनी है जी। गर्दन की पहली हड्डी यहाँ से स्टार्ट होती है और सातवीं यहाँ पे होती है। अच्छा, ये जो मणके हैं, जैसे गाड़ी का इंजन चलता है ना सिमेट्रिकल ढंग से जी, उसके सिलेंडर आगे पीछे चलते हैं, ऐसे ही हमारे मणके होते हैं, ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, बिना किसी रगड़ के, बिना किसी दबाव के, इनमें स्मूदनेस रहनी चाहिए, अच्छे से बिना किसी रगड़ के चलने चाहिए। जब ये मणके कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे या रगड़ के चलेंगे, या गर्दन में टेढ़ापन आ जाएगा, या कम कोई सामान उठा लें, कोई झटका लग जाए बैडमिंटन में, क्रिकेट में, उल्टा सो जाए हम लोग, तो ये गर्दन के मणके धीरे धीरे करके माल पोजीशनिंग की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मणका लेफ्ट में सरक जाएगा इस तरीके से जी। जब ये लेफ्ट में सरकेगा तो ऊपर वाला भी चला जाएगा इसके साथ में, और ऊपर वाला भी चला जाएगा, क्योंकि सीरीज जुड़ी है। हाँ जी। क्योंकि पूरी सीरीज खराब हो जाएगी, मतलब पोजीशनिंग इनकी चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब आप सुबह उठे, आपने काम लिया इससे, आपने फॉर एग्जांपल घरेणी में सब्जी काटी, कुछ काम लिया, तो जब आप इसको यूज करोगे ना, अपनी पोजीशन पे नहीं है ये, एक दूसरे को घिसाएगा, क्रश करेगा। और आप भली भांति जानते हैं, जब दो हड्डियां एक दूसरे को घिसाती हैं तो स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग के साथ स्वेलिंग का भाई यानी पेन आता है, पेन आता है। तो स्वेलिंग और पेन आएगा, स्वेलिंग और पेन आएगा तो आसपास की जो नसें हैं, ये जैसे कि ये नस है, इसका रास्ता बड़ा नैरो होता है जी। ये सिर्फ 12 mm के आसपास होता है। तो स्वेलिंग आएगी, उस रास्ते को नैरो कर देगी, रास्ते को नैरो कर दिया तो नस के अंदर जो फ्लो जाता है हाथ में वो कम हो गया। तो आपने देखा होगा हाथ में यहाँ दर्द आ रहा है, यहाँ दर्द आ रहा है, यहाँ नीचे उतर के यहाँ तक आ रहा है, उंगली में दर्द आ रहा है, उंगली सुन पड़ रही है, झंझनाहट आ रही है, चीटियाँ चल रही हैं, ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, यहाँ खिंचाव आ रहा है, हेडेक हो रहा है, पीछे की तरफ खिंचाव आ रहा है। और खासकर एक पॉइंट होता है यहाँ पे, एक अच्छा इस जगह पे ये पॉइंट होता है, ये बड़ा तीखा दर्द करता है लोगों को, मतलब ये तो जाता ही नहीं, ऐसे लगता है कि छुरी लगा रखी किसी ने, ये तो परमानेंट बना जाता है। ये सारे प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब लोगों के हाथ में जो झंझनाहट आती है, दर्द आता है ऊपर से पूरा नीचे तक, उंगलियां सुन पड़ जाती है, उंगलियों में झंझनाहट, कई लोग कहते हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि हाथ में चींटियां पूरे हाथ में काट रही है, या इस जगह पे दर्द होना, ये सब इस नस की जो सर्कुलेशन का फ्लो है ब्लड का, उसके कम होने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से होता है। ब्लॉक होने से, दैट्स राइट। अब
ये जो नस की हम बात कर रहे हैं, ये नस जो है रग वाली नस नहीं है, ये ब्लड नहीं ले जाती। अच्छा, ये ब्लड वाली नहीं है। ये ब्लड वाली नहीं, ये नस जो है जिसको हम संदेश वाहक बोलते हैं, ये संदेश अच्छा। लेके जाती है। जैसे हमारे घर में एक काला तार होता है, एक लाल तार होता है, एक तार के अंदर ऐसे उलझे होते हैं ना, इसके अंदर एक सेंसरी नर्व होती है, एक मोटर नर्व होती है, ऐसे चलती है उलझ के एक दूसरे से। इसी के अंदर दो नर्व होती है, एक नर्व के अंदर। जब ये नस दबेगी तो सेंसरी नर्व प्रॉब्लम आएगी और मोटर नर्व प्रॉब्लम आएगी। सेंसरी आएगी तो ठंडा गर्म लगना, झंझनाहट आना, तीखा नुकीला लगना, सोना बनाना। मोटर नर्व दबेगी तो यानी वीकनेस आ जाएगी, हाथ पतला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उठना बंद हो जाएगा, मांस हल्का गलना स्टार्ट हो जाता है कई बारी, इसकी मोटाई इसकी मोटाई कंपैरिजन में कम हो जाती है, कुछ काम कर लेंगे जल्दी थक जाएगा, जल्दी दर्द हो जाएगा, थोड़ा सा सब्जी काट लेंगे दर्द हो जाएगा। तो यानी सेंसरी और मोटर दोनों दबी हैं, टेक्निकली एक ही नर्व दबी है, उसकी वजह से दोनों सेंसरी और मोटर नर्व दोनों ही सिम्टम्स आए। अच्छा, तो सर इसको जनरली लोग इसके लिए मेडिसिन लेते हैं, कोई एलोपैथी में, कोई आयुर्वेद में, कोई होम्योपैथी में, या फिर अलग अलग पैथीज में लोग जाते हैं, क्या पेन किलर खाकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक किया जा सकता है? जैसे आपने आप खुद ही बताया, पेन ठीक नहीं करती, पेन किलर है। किलर है, किलर फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर लेट्स से फॉर वन डे, सम टाइम फॉर टू डेज। कई बार लोगों को इतना भयंकर दर्द होता है कि एक घंटा भी असर नहीं करती है जी। इसका काम समझिए क्या है। जैसे हम बरसात आने के बाद अपने यहाँ पे छतरी लेते हैं ना, हाँ जी, छतरी लेने से बरसात तो नहीं रुकेगी। नहीं, छतरी का काम क्या है, उस बरसात को टेम्पररी रूप से आपसे गिरने से रोकना। हाँ जी, जो पेन किलर खा रहे हैं ना यहाँ पे, वो छतरी का काम कर रही है। जब तक आपने छतरी लगाई है तब तक आपके ऊपर बरसात नहीं आएगी। आप जैसे छतरी बंद करोगे ऊपर आपके बरसात गिरेगी, आप भीगोगे। मतलब बस ये है कि पेन आपको फील नहीं होगा, लेकिन पेन हो तो रहा है। है, आपका जो ब्रेन है उस पर परत जम गई है जी। उसके सेंसेशन है, फील, पेन फील करने की क्षमता वो टेम्पररी रूप से कम हो गई है, पेन फील नहीं करता बस। सर इसी तरह से बहुत से जोड़ों के दर्द के लिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मार्केट में बहुत सारे तेल मिलते हैं। लोग कहते हैं कि तेल लगाओ अपने गर्दन पे या अपने शोल्डर पे या जहाँ भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और आपको दर्द चला जाएगा। तो क्या ये आयुर्वेदिक जो तेल है, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम ही नस में ब्लॉकेज की वजह से या यहाँ से हल्का सा डिसबैलेंस, मतलब उसका अलाइनमेंट चेंज होने की वजह से है, तो क्या वो तेल भी उसको ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता क्या? नहीं, एक होता राहत देना जी और एक होता ठीक करना। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई मसाजर है, कोई तेल है, कोई बाम है, कोई ठंडी गर्म सिकाई है, कोई हल्दी नमक का, फिटकरी का कुछ भी लेप है, ये आपको टेम्पररी रूप से राहत देते हैं दर्द में, वो भी सिम्टम्स कम कर रहे हैं। दर्द एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। बीमारी है दबाव किसी चीज़ का, यानी नस दब गई है। तो जो ब्रेन पेन फील कर रहा है, एक्चुअल ब्रेन हमारा दोस्त है, मित्र है। क्योंकि अगर पेन नहीं होगा तो कितना डैमेज है, कितना है और कितने एरिया तक फैला है, पता ही नहीं लगेगा ब्रेन को। तो ब्रेन हमें ये बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है इस हिस्से में। पेन का सिर्फ इतना ही मतलब, लेकिन लोग पीछे पड़े हैं पेन को किल करने में, कि पेन को किल करना है। पेन को किल नहीं करना आपको, पेन आपको हेल्प कर रहा है जीने में, सर्वाइव करने में। वहीं दवाई और बाम का काम क्या है कि आपने लगाया, फॉर एग्जांपल यहाँ दर्द है, आपने लगा दिया, वहाँ से सब स्पैज़म क्रिएट हो रहा है, खिंच रही है मसल, तो टेम्पररी रूप से आपने मसाज कर दी, स्पैज़म 5-10 मिनट 15-20 मिनट आधा घंटा कम हो गया। जैसे आपने कुछ बुक पढ़ी, मोबाइल चलाया, काम किया, हल्की सी फिर से दबाव नस पे आया, फिर से स्पैज़म नया आ गया जी। नए स्पैज़म के लिए नया तेल, नई मसाज, नई टैबलेट जी। हाँ, दर घंटे फिर आप क्या करा, आपने गाड़ी चलाई, फिर से दबाव आया, नया तेल, नया स्पैज़म, नई टैबलेट। तो बस हम ये टैबलेट और तेल के खेल में ही खो जाते हैं बस। हाँ, सर्कस जैसा, ये हाथी का सर्कस जो है ना, वो घूमता रहता है, उसी के अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और इसमें रिंग मास्टर हमारी पेन किलर्स और ये तेल है, उसके पीछे हम नाचते रहते हैं। तो सर आप कैसे इसको ठीक करते हैं, जहाँ आप ना तेल का, ना क्रीम का, ना किसी दवाई का यूज़ करते हैं बिना दवाइयों के? तेल का और दवाइयों का जो प्रारूप है वो सही है, आदमी के जीवन को बेहतर बनाना। फॉर एग्जाम्पल आपने मीटिंग करनी है कोई, तो मीटिंग में दर्द तो नहीं सहन कर सकते, आपने टैबलेट ली, पेन किलर, आपने मीटिंग कर ली, लेकिन हर बार ये चीज़ करेंगे वो गलत है। एक टाइम बीइंग के लिए तेल लगाइए, राहत देगा, सिम्टम कम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट हर बार तेल लगाने से, हर बार टैबलेट लेना, ये इलाज नहीं है। मतलब मेडिसिन और तेल का इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप यूज कर सकते हैं, उस मोमेंट से गुजर जाने के लिए जी, उस मोमेंट को थोड़ा इजी करने के लिए, इजी करने के उस लिए।
पल को थोड़ा ढंग से जीने के लिए जी। बस तो बाकी सर आप बताइए कि कैसे आप ठीक करते हैं इसे। जैसे कि ये मणका है, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया आपको, ये मणके सारे लाइन में रहते हैं, पूरी लाइन पे इस तरीके से। जैसे कि हमारा घर खड़ा होता है ना पिलर पे, हाँ जी, तो सारे पिलर एक दूसरे के ऊपर होते हैं। हल्का सा अनाटॉमिकली डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत, वेरी mm, थोड़ा सा 1 mm, 2 mm, हल्का हल्का फुल्का होता है, बट अल्टीमेटली जो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी सीधी रहती है। तो होगा क्या, किसी का, किसी ने कोई क्रिकेटर है, किसी ने चोट लगी, तो उसका वो क्या होगा कि पाँचवा और छठा मणका सरक गया, फॉर एग्जाम्पल ये सरक गया इस तरीके से। सरकने के बाद नस दब गई, नस दबने के बाद ऐसे दर्द स्टार्ट हो गया, चलना स्टार्ट हो गया, खिंचाव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस मणके को ढूंढेंगे, पहले मणका कौन सा है, इसको ढूंढने की मदद हम तीन तरीके से लेते हैं। हमारे पास मशीन है चेक करने के लिए, एक्सरे फैसिलिटी यूज़ करते हैं कई बार, कई भी हमें शक होता है कि कहीं हड्डी ज़्यादा सरक ना गई हो, हड्डी के अंदर कोई फ्रैक्चर ना हो, हड्डी कई बार जन्मजात भी जुड़ी होती है, स्क्रीनिंग करना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा हम हाथों की मदद लेते हैं, हमारी पढ़ाई, हमारी एक्सपर्टीज तरीके से होते हैं, हाथों से भी पता लगा सकते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हमने ढूंढ लिया इसको, इसको ढूंढने के बाद हम इसका जो उतरा है मणका, इसको हम इस डायरेक्शन पे सेट करके इसको वापस सेट कर देंगे, ताकि ये अच्छे से घूमना स्टार्ट कर दें। जैसे कि हम घूर्णी को, किसी इंजन की घूर्णी को वापस सेट करते हैं, इंजन चलना स्टार्ट हो जाए, अगर ये चलेगी, नस नहीं दबेगी, स्वेलिंग नहीं आएगी, स्वेलिंग नहीं आएगी, दर्द नहीं होगा, और आपकी गर्दन अच्छे से प्रोडक्टिव बन जाएगी। मतलब अलाइनमेंट को ठीक करके उस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है, डेफिनेटली। तो सर मैं डेमो के थ्रू जानना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं जब कोई पेशेंट आपके पास आता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नर्वोस्कोप मशीन है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि नस कौन से एरिया पे दबी होती है जी। अभी जैसे ना इनका डिफ्लेक्शन राइट साइड पे ज्यादा हो रहा है, तो इनका पांचवें और छठे मणके के अंदर स्पैज़म है, इनको समवेयर यहाँ दर्द होता होगा, यहाँ दर्द होता है आपको, ये वाला, ये एरिया टाइट रहता है ना। तो इस नस नर्वोस्कोप से हम बिना MRI के भी पता लगा सकते हैं कि नस कहाँ दबी है। अच्छा, बिना MRI के? इसकी एक्यूरेसी 90% के आसपास होती है। 90%? हाँ। तो इसमें पेशेंट को MRI के अंदर भी नहीं जाना पड़ता, वैसे ही पता लगा लेंगे। और सर इसको बोलते क्या है जिस मशीन से आपने चेक किया? इसको नर्वोस्कोप बोलते हैं। नर्वोस्कोप? हाँ, ये यूरोपियन इंटरनेशनल मशीन है जी। इसकी मदद से हम जांच लेते कौन सा नर्व दबा हुआ है। गंभीर मामलों में ही MRI की सलाह दी जाती है, या पेशेंट को बोला जाता है कि MRI लेके आइए जी। 90% लोगों को MRI की जरूरत है ही नहीं इस मशीन के द्वारा। अतः लोगों को ये नस दबती है, ये नस दबेगी, इसके भाग हैं तीन। एक भाग चला जाएगा पीछे यहाँ पे, एक भाग चला गया कंधे पे, और तीसरा लंबा भाग जाएगा सीधा नीचे की तरफ। अच्छा, ठीक है। तो यानी लोगों को यहाँ दर्द होगा, फिर यहाँ पे इस तरफ आएगा, फिर यहाँ दर्द आएगा और यहाँ आएगा, और ये तीखा पॉइंट दर्द करेगा ज़्यादा, यहाँ पे जो मैंने हाथ लगा रहा हूँ। ठीक है, मेनली सर्वाइकल वालों को यही दर्द होते हैं सारे। तो ये पाँचवें छठे मणके के जिसकी बात करते हैं, यहाँ से दबा हुआ, इसको हम खोलने वाले हैं यहाँ से। ढीला छोड़ेंगे, जस्ट लूज कर दो, लूज कर, नीचे सर की, नीचे की तरफ, हाँ थोड़ा हल्का सर लग जाए आपको नीचे की तरफ, बस बस। वो जो पॉइंट है पीछे वाला जो बात कर रहे थे, उसके रिलीज कर रहे हैं आपको, जस्ट लूज करें, लूज लूज। बैठेंगे आप, अब हम हड्डी के घुमाव को ठीक करेंगे। ये एक तरीके का माइक्रो हथौड़े के जैसे काम करता है।
प्रेशर देकर, प्रेशर देकर ठीक करता है, हल्का हल्का माइक्रो जो टिल्ट है उसको ठीक कर देता है, ये इसका काम ये होता है। और इसका रिजल्ट सर कितने परसेंट है? जैसे ही मैंने बताया 97%। अच्छा, इस हैमर से भी? हाँ हाँ, उल्टा बेटे उल्टा। जितने भी टूल हैं ये रिसर्च बेस्ड टूल है बेसिकली। अच्छा, FDI अप्रूव्ड है टूल है, FDI आप जानते ही। हाँ जी, यहाँ रखिए। लूज करो इसको भी। सांस लेंगे, छोड़े, फिर से लें, छोड़े, एक और लें, छोड़े। वेरी गुड। अब जितना भी पोर्शन है ना उसके आसपास का, इसके अंदर मुंह डालिए, उसको सारे को रिलीज कर रहे हैं। सांस लें, छोड़े। छाती को नीचे और छोड़ें, क्योंकि गर्दन के साथ ना सारा एरिया कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हाँ जी, सब देखते हैं टाइट करना, सब क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, सब आपस में कनेक्टेड है। हाथ याद रखिए, दोनों घुटने पीछे लाइए, और पीछे लाइए, और पीछे, और पीछे, बस बस बस। छाती टिका दो प्लीज, छाती टिका दो। सांस लो, छोड़ेंगे, एक और लो, छोड़ो जरा। वेरी गुड, आ जाएंगे सामने देखेंगे आप। अब हम लोअर सर्वाइकल को रिलीज करने वाले, नीला छोड़ दो प्लीज। वेरी गुड, दोनों हाथ यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, दोनों हाथ सही से पकड़िए, सही से, हाँ सही से पकड़ा, आपस में पकड़िए। वेरी गुड, थोड़ा आगे चले जाओ, सांस छोड़ो, बस वेगस नाव जाती है ना, बहुत बड़ी नस होती है यहाँ से निकलती, उसकी वजह से हमारा सर में दर्द रहता है या भूलने की क्षमता भी हमारी धीरे धीरे करके बढ़ जाती है, इंसान भूलने लगता है, राइट। तो इससे हमने क्या किया, जितने भी नसें हैं आसपास की गर्दन की सारी खोल दी हैं, इनको राहत महसूस होगी। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, चेहरे से पता लग रहा है। लेकिन सर जैसे मेडिसिन होती है और ऑयल्स होते हैं, ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, लेकिन इससे हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का क्योर नहीं मिल पाता, तो क्या आपने जो ये कायरोप्रैक्टिक्स के थ्रू किया, क्या इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो सकता है परमानेंटली? आपने ठीक सवाल पूछा, रिलीफ होना और ट्रीटमेंट होना दोनों अलग चीज़ें हैं जी। आपने किसी भी पेन रिलीफ जो भी ये ऑयल होता है या किसी भी तरीके का गामा होता है उसके ऊपर रिलीफ लिखा होता है, हाँ, उस पर कभी भी ट्रीटमेंट या क्योर नहीं लिखा होता जी। रीज़न बीइंग उनका पर्पस जो है बनाया गया है वो रिलीफ के लिए बनाया गया है, क्योर के लिए नहीं बनाया गया। तो ये आपको रिलीफ देंगे, बट जो हमने ये जो टेक्निक अपनाई है इसमें हम अलाइनमेंट कर देते हैं, यानी प्रॉब्लम की जड़ ही ख़त्म कर देते हैं, राइट। कहावत नहीं है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और जनरली सर इसको करके कितने टाइम में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो सकता है? पहले ही दिन 50% का रिलीफ आ जाएगा जी। कई बार लोगों को एक बार में ठीक हो जाता है, कई बार लोगों को दो या तीन बार भी करना पड़ता है, डिपेंड करेगा आपकी एज, आपकी हड्डियों में सघनता यानी कैपेसिटी कितनी है, कितनी मजबूत है, कितनी वीक है, आपका वज़न कितना है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही है। तो दो तीन पैरामीटर को स्क्रीन करके ही हम अच्छे से बता पाएंगे, बट अगर आप यंग हैं, हेल्दी हैं, तो एक या दो बार इनफ है। सर आपने जितने भी ये चीज़ें की हैं, क्या केवल इतना ही करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के दर्द को ठीक कर सकते हैं या और भी आगे के प्रोसेस है इसमें? टाइम के हवाओं में हमने सिर्फ 50% ही पूरा डेमो दिखाया है जी। इसके अलावा 50% चीज़ें और हैं जो हम करते हैं, क्योंकि ये सब करेंगे तो हमें आधा घंटा लग जाएगा एक पूरी प्रोसेस में, एक आधे घंटे की प्रोसेस रहती है, बट हमें शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें बताई, मेन चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी अपने दर्शकों को कि क्या हम कर सकते हैं,
जिससे रिलीफ जल्दी आ जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के दर्द, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, क्या उनको अपनी डाइट में भी कुछ थोड़ा परहेज या ध्यान रखने की जरूरत होती है क्या? बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। डाइट का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से कोई संबंध नहीं है। आप कुछ खाइए नहीं खाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी मेडिकल काउंसिल है उनके रिसर्च पेपर बोल रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि जनरली लोग मना कर देते हैं ना कि खट्टा ना खाओ, ठंडा ना खाओ, ये चीज़ ना करो, वो चीज़ ना करो, ऐसे बहुत सारे परहेज बता देते हैं। कोई कहता है चावल ना खाओ, तो इसलिए मुझे लगा कि खान पान हर बीमारी से लोग जोड़ते हैं, तो क्या पता सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से भी जुड़ा हो। इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल डिफेक्ट है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन में खराबी नहीं है, इसमें मणके घिस रहे हैं, दैट्स इट। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का या गर्दन दर्द का हमें क्योर बताया, क्योंकि जनरली लोगों के पास इसका क्योर होता नहीं है, और जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर वो पूरी लाइफ टाइम इससे सफ़र करता है, और फिर वो पेन किलर्स और उन पे तेल और क्रीम पर ही अपनी लाइफ को बिता देता है। तो उम्मीद करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के दर्द का कैसे आप क्योर कर सकते हैं उसके बारे में सर के द्वारा दी गई है इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से निजात पाने में। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कोई और हेल्थ से रिलेटेड इशू का सॉल्यूशन, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दें, ताकि आप नेचुरली इलनेस से वेलनेस की तरफ पहुँच सकें। धन्यवाद, थैंक यू सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया।